दोस्तों, एक गांव था। उस गांव का एक रिवाज था कि वहां पे जो राजा बनाया जाता था, हाथी की सूंड में एक माला रखी जाती थी और हाथी जब उस माला को फेंकता था, वो माला जिसके भी गले में जाती थी तो उस व्यक्ति को उस गांव का 5 साल के लिए राजा बना दिया जाता था। और दोस्तों, इसके अलावा उस गाँव का एक खतरनाक रिवाज था। वो ये था कि 5 साल जब उस राजा के पूरे होते थे तो उस राजा को गांव के पास एक नदी थी, नदी के उस पार एक जंगल था, उस जंगल में ले जाके फेंक दिया जाता था। ये इस गांव का काफी पुराना रिवाज था जो बरसों से चला आ रहा था। तो दोस्तों, एक राजा के 5 साल पूरे हो चुके थे। उसे ले जाने के लिए सेनापति कुछ सेना लेकर राजा के पास आया। उसने सेना से कहा, राजा को बंदी बना लो। तो राजा ने कहा, रुको रुको, मैं तुम्हारे खुद साथ चलूंगा, तुम मुझे मत छुओ। राजा उनके साथ चलने के लिए तैयार था, लेकिन सेनापति ने सोचा कि ये राजा ऐसा कर रहा है, इसमें हो सकता है इसकी नीयत में खोट हुई, भागना चाहता हूँ। तो उसने बोला, ठीक है, इसे बंदी तो मत बनाओ, लेकिन इसको चारों तरफ से घेर लो ताकि ये भाग ना पाए। तो सेना जो होती है चारों तरफ से उस राजा को घेर लेती है और उसको साथ में लेके अपने चलती है। अब दोस्तों, ये जो चीज़ होती थी ये 5 साल में एक बार होती थी। वो इसे देखने के लिए पूरा की पूरा गांव आता था, क्योंकि दोस्तों कोई भी राजा अपनी इच्छा से थोड़ा ना जाना चाहता था। गिड़गिड़ाता था, रोता था, चिल्लाता था, अपने जान की भीख मांगता था। तो ये देखने में सबको एक आनंद होता था कि देखो, ये वही राजा है जिसने 5 साल तक आज इस गांव में राज किया था, और आज देखो कैसी भीख मांग रहा है अपनी जिंदगी के। तो दोस्तों, इसे देखने के लिए पूरा गाँव आया था, लेकिन पूरा ही गांव अचंभे में पड़ा हुआ था, क्योंकि ये जो राजा था ये ना चिल्ला रहा था, ना रो रहा था, ना गिड़गिड़ा रहा था, ना तो अपनी जान की भीख मांग रहा था। ये तो हंस रहा था और गाने गा रहा था, यहाँ तक कि लोगों का अभिवादन कर रहा था। तो सभी लोगों ने जब इसको देखा, गांव वालों ने, तो सोचा हो सकता है ये राजा पागल हो गया, हो सकता है इसे मालूम ही ना हो कि इसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन वो राजा सब जानता था। अब देखते देखते जब नदी तक पहुंच गए तो नाव का जो नाविक होता है वो 4 लोगों को लेकर राजा के पास आता है उसे नाव में बैठाने के लिए, क्योंकि आज तक जितने भी राजा गए थे तो उनको नाव में पकड़ के उठा के पटकना पड़ता था, क्योंकि वो अपनी इच्छा से तो नहीं बैठते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उस जंगल में जाना पसंद थोड़ो ना करेगा जिस जंगल में ना खाने को मिलेगा ना रहने को मिलेगा। वहाँ 2 दिन भी यदि मुश्किल से कोई जी जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो जब वो नाविक राजा के पास आया तो राजा ने कहा, तुम मुझे मत छुओ, मैं तुम्हारे साथ खुद ही चलूंगा, मैं आ रहा हूँ ना, चलो तुम चलो। जाके राजा उस नाव में आराम से बैठ जाता है। नाव थोड़ी दूर जाती है, राजा हंसते रहता है, गाते रहता है। अब नाविक जो रहता है वो काफ़ी सालों पुराना होता है, काफ़ी सालों से वो राजाओं को इस नदी में, इस नाव में बैठा के जंगल में ले जा के छोड़ता था, फेंक के आता था। तो वो भी अचंभे में था कि ये राजा क्यों ऐसा करता है। तो उसने राजा से बोला कि राजा, आप जितने मूर्ख दिखते हैं उतने मूर्ख आप है नहीं, कुछ तो रहस्य है। तो राजा कहता है, रहस्य तो है, क्या तू जानना चाहेगा? तो नाविक कहता है, हाँ। तो राजा कहता है, जिस दिन मेरे गले में माला पड़ी थी उस दिन मुझे पता चल गया था कि मैं इस गांव का 5 साल का राजा हूँ। तो उसी दिन मैंने पहले साल मैंने अपने कुछ गुप्त सैनिक बनाए और उन सैनिकों को मैंने उस जंगल में भेजा और उनसे कहा, जाके जंगल पूरा साफ कर दो। उसके अगले साल मैंने अपने गाँव के कुछ प्रधानों को भेजा और उनसे कहा, जाके वहाँ पे एक अच्छा नगर बनाओ। उन्होंने जाके एक नगर बनाया। उसके तीसरे साल मैंने अपने गाँव के कुछ बिल्डरों को भेजा और उनसे कहा, जाके वहाँ अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनाओ, क्योंकि हमारे गांव में तो अब ज़्यादा जगह बची नहीं है, वहाँ अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनाओ और मेरे लिए वहाँ पे एक महल बनाना। उसके अगले साल मैंने अपने यहाँ के कुछ अच्छे अच्छे व्यापारी को वहाँ भेजा और उनसे कहा, यहाँ तो आपको टैक्स लगता है, वहाँ आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, आप जाओ वहाँ पर व्यापार करो। और आज 5वां साल है और आज मैं वहाँ जा रहा हूँ। और इस गांव का तो मैं सिर्फ 5 साल का ही राजा था, लेकिन अब जिस गांव में जा रहा हूँ वहाँ मैं अब जीवन भर का राजा रहूंगा। वहाँ के लोग मेरा स्वागत करने के लिए नदी के किनारे तक आ चुके हैं, क्या तुम्हें आवाज नहीं आ रही? इतने सारे बाजे बज रहे हैं, इतने सारे ढोलके बज रहे हैं। तो इस गाँव का तो मैं सिर्फ 5 साल का ही राजा था, लेकिन जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ मैं अब जिंदगी भर का राजा रहूँगा। तो दोस्तों, ये कहानी हमें कितनी अच्छी सीख देती है, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो हम यदि रिटायरमेंट में यदि हमने कोई प्लानिंग नहीं करी है तो हमारे भी तो जंगल जाने के दिन आएंगे। और दोस्तों, आपको जान के अचंभा होगा कि हर व्यक्ति जाने या अनजाने इसी रास्ते पे चला हुआ है, वो अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं करता है और उसे उसके रिटायरमेंट में जंगल जाना ही पड़ता है, यानी अपने बच्चों पर या समाज पर डिपेंड होना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा जो मैंने एक ट्रेनिंग में सीखी थी, कि इंसान जितना भी पैसा अपने वर्तमान में कमाता है, हर महीने जितनी भी इनकम कमाता है, उसमें से 80% पैसा तो उसका होता है, उसकी फैमिली का होता है, लेकिन 20% पैसा उसका होता ही नहीं है। ये 20% पैसा होता है उस व्यक्ति के अंदर बैठे हुए उस बूढ़े व्यक्ति का, जो आज से 20 से 30 साल बाद निकल के उसके 60 साल की उम्र में बाहर आएगा, यानी कि दोस्तों उसके बुढ़ापे का। तो दोस्तों, आप 80% पैसा जो आपका है, आपकी फैमिली का है, वही आप अपने वर्तमान में खत्म करें, कि जो 20% पैसा जिस पे आपका आज हक है ही नहीं, इस पैसों को अवश्य बचा के रखें अपने बुढ़ापे के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, ताकि आपको बुढ़ापे में किसी के सामने भी हाथ ना फैलाना पड़े।